Hello and welcome to Nagaland TV. Sob Manula Awas. Aji Ami Khan Yade. Nagaland Pradesh Congress Sevatal Executive Meeting karne ahena ase. To IB Manjaniwo. I'd like to give a thank to Chairman Minority Sir Nagaland Pradesh Congress, Sri Rajesh Kumar Singh. इधर कौन बैठा है उनका नाम क्या है डीसीसी प्रेसिडेंट डीसीसी प्रेसिडेंट क्या नाम है रेस्पेक्टेड प्रदेश चेयरमैन श्री के अर्जुन रेस्पेक्टेड ऑल इंडिया चीफ ऑर्गेनाइजर सेवा दल श्री लालजी देसाई जी रेस्पेक्टेड नेशनल सेक्रेटरी श्री चंदन बरुआ जी रेस्पेक्टेड श्री नीलो पोजा जी नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल रेस्पेक्टेड डीसीसी प्रेसिडेंट श्री सेंथुंगो लोथा जी एंड रेस्पेक्टेड वाई एस योम्या कोन्या नागालैंड चीफ ऑर्गेनाइजर सेवा दल फ्रेंड्स मैं कुछ कुछ हिंदी में भी बोलूँगा कुछ नागामीज में भी बोलूँगा तो काइंडली बियर विथ मी क्योंकि आज हमारे बहुत दूर से पहली बार हमारे नागालैंड प्रदेश में हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर साहब पहली बार आज आए हैं सेवा दल की तरफ से तो उनके स्वागत के लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ मतलब आप आए हैं बहुत बहुत आभार हमारा सर ऐसा है पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ सेवा दल क्या चीज़ है सेवा दल का फाउंडेशन 1923 में हुआ था इसका फाउंडेशन किस कारण से हुआ था क्योंकि ब्रिटिश के टाइम में हम जब ब्रिटिशों के साथ लड़ाई कर रहे थे उस समय कुछ ग्रुप दल बने थे उस ग्रुप दल में आरएसएस के लोग भी थे हमारे लोग भी थे उस समय कईयों को जेल में डाला गया उस जेल में डालने के दौरान आरएसएस लोगों ने माफ़ीनामा लिखा और माफ़ीनामा की वजह से वो आरएसएस के लोग तो निकल गए लेकिन कांग्रेस के जो सेवा दल के लोग हैं वो उस समय में कोई माफ़ीनामा नहीं मांगा उन्होंने कहा कि हम देश के लिए लड़ेंगे हमें कोई माफ़ी नहीं चाहिए और उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उस समय 1923 में हिंदुस्तानी सेवा दल के नाम से ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया बाद में 1931 में इसको नाम बदली किया गया और कांग्रेस सेवा दल का नाम दिया गया तो ये कांग्रेस सेवा दल की एक हिस्ट्री है इसको इस तरह से जाना जाता है क्योंकि ये एक डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है कांग्रेस की एक डिसिप्लिन संस्था है ये और यहाँ में प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है इस पर नॉन वायलेंस और पेट्रियोटिज्म की बात हम करते हैं ये कांग्रेस का मेन मोटिव यही है कि लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलाओ और साथ में पेट्रियोटिज्म की भावना रखें कांग्रेस के प्रति भी और देश के प्रति भी ये सेवा दल का सबसे मेन मोटिव है मैं आपको बताना चाहता हूँ श्री लालजी देसाई के बारे में भी ये भी एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया था गुजरात में जमीन आंदोलन के नाम से फेमस हुए ये और इन्होंने 40 डिस्ट्रिक्ट के विलेजों के सब किसानों को जोड़ा इन्होंने और तब से कांग्रेस ने भी इनको पहचाना और इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया तो लालजी देसाई की ये एक बहुत बड़ी मतलब कांग्रेस के लिए भी एक समझने की बात है कि इन्होंने 40 डिस्ट्रिक्ट के गांवों को विलेजों को किसानों को एकत्रित किया और एक आंदोलन जीवी करके उसको सक्सेस किया इसके लिए भी हम सब बहुत बहुत आभार है सर ऐसा हमारे लालजी से सर ऐसा है क्योंकि आप पहली बार आए हैं तो हमारी सबकी तरफ से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से भी और पीसीसी के तरफ से भी सबकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ ऐसा ऐसा क्योंकि नागालैंड प्रदेश एक सब स्टेटों से अलग है थोड़ा क्योंकि यहाँ के भाषा कल्चर सब अलग है तो हमको भी यहाँ रहते रहते आज 140 साल हमारे पूर्वजों के हो गए तो 140 साल से हम यहीं पर हैं और हम सबको रग रग हम भी नागा की तरह ही है एक तरह से और हमें लोग मारवाड़ी नागा कहते हैं तो ऐसा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर क्योंकि हर प्रदेश से एक अलग प्रदेश है चूँकि हमारे यहाँ अभी इन दिनों बहुत ही हालात टाइट चल रही है क्योंकि हमारे एक भी MLA आज प्रेजेंट असेंबली में नहीं है और इस प्रेजेंट असेंबली में नहीं होने के कारण हमारे आज 18 साल से हम अपोजिशन में भी है पावर में नहीं है
तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी धीरे 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 करके कमजोर होती जा रही है फाइनेंशियली भी, तो इस वजह से हमारे प्रदेश के लोगों को एकत्र करना, आज एकत्रित करके रखना, ये हम धन्यवाद देते हैं खोजा साहब का भी जो आज तक चल के आ रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है फाइनेंशियल कंडीशन देखने की। तो ये मैं आपकी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हायर अप को भी कहें कि एक अलग से फंड सेवा दल के लिए भी दिया जाए, ताकि सेवा दल ऑर्गेनाइजेशन की जमीन से जुड़े हुए लोग हैं सेवा दल के लोग, इनको ग्राउंड का पता है, तो इनको पालने के इनको रखने के लिए इनको एकत्रित रखने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाए। आप हिंदी में बोल रहे हैं तो यहाँ कितने लोग हिंदी समझते? सब समझते सर, समझते सर, सब समझते, ऐसी बात है, आप भी हिंदी में बोल सकते हैं सब समझेंगे। तो मैं आपको इसीलिए बोलना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं इनके बिहाफ में आपको बोल रहा हूँ, तो आपको इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियली बहुत कमजोर है प्रदेश, नागालैंड प्रदेश, इस वक्त इसको आप थोड़ा सा मजबूत करिए, और अलग से अगर कोई अलग से सेवा दल के लिए फंड हो तो बहुत अच्छा होगा सर। और साथ ही मैं सबके तरफ से धन्यवाद देता हूँ आपका, आज आप नागालैंड में आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। Now I would like to give our time to our chief organizer, All India Congress Seva Dal, Sri Lalji Desai Ji. मैं इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ? इंग्लिश इंग्लिश हिंदी ओके, लेट वी कैन हैव अ मिक्स अप हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ओके। मैं शुरुआत हिंदी से करता हूँ थोड़ा, और उसके बाद फिर इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं। आज हमारे बीच मौजूद हमारे ऑल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज चंदन बरुआ जी, हमारे ऐसे ही एक ऑल इंडिया की टीम के साथ ही नीलो कोजा जी, यहाँ पर सेवा दल के चीफ भाई योन्यो, हमारे डिस्ट्रिक्ट डीसीसी प्रेसिडेंट भाई, माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट भाई सेठी जी, हमारा यहाँ का साथी स्टेट डिस्ट्रिक्ट का सेवा दल का चीफ अजो, और भी शायद नाम है जो मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत भी हो सकता है, बट यस, जिन्होंने अभी एक यहाँ पर हम लोगों को शुरुआत में प्रेयर के तौर पे जो बात कहा, व्हेन शी वाज स्पीकिंग I thought I will not understand, but I understood half of the thing. Because वो जो बात कर रही थी उसमें जो शब्द थे, even वो I think पूरी नागालैंड की भाषा भी नहीं हो, पर नागामीज टाइप का मिक्स होगा, आसामी नागालैंड, और उसकी वजह से शायद हिंदी शब्द भी उसमें या संस्कृत शब्द उसमें थे, तो मैं समझ पाया कि किस तरीके से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति दे, सबको साथ रखे, एक रखे, धन्यवाद गॉड का किया, वो सब तो समझ में आ रहा था। सो व्हेन आई वाज नॉट हियर, आई हैव नॉट विजिटेड नागालैंड, आई थॉट आई माइट नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ नागालैंड, और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट नाउ आई फील दैट इफ आई स्टे हियर फॉर 15 डेज और 1 month इन इलेक्शन टाइम, आई एम श्योर आई विल लर्न योर लैंग्वेज एंड लाइक नो लाइक ट्राई टू इंटरेक्ट विद इवन नॉर्मल विलेज पीपल इन लोकल लैंग्वेज। I love to learn languages. Let me share something about my background also, because like when we try to understand each other, we have to understand the whom we are interacting and whom we are, like who is talking to you. I don't know like how come you got information, maybe Google, nowadays everything is available. So if you search my name with the farmers protest or arrested, Narendra Modi government arrested, because when he was a CM, in Gujarat, I love to fight with him because he is enemy of the people, and I love to protest for the rights of the people. So it was like our old, the war, it started from Gujarat. And now he is a prime minister and I am the national chief of the Seva Dal. So again, he is having an RSS background and I belong to Seva Dal. So two extreme, we'll also discuss about the two extreme, कि दो अंतिम छोर क्या है।
बट आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज वेर देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी और नो बस ट्रांसपोर्टेशन, नो स्कूल, नथिंग. बट फॉर्चुनेटली आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड दैट क्रेडिट गोज टू जवाहरलाल नेहरू. Somebody said Jawaharlal Nehru was a prime minister and you are a small village. How come credit goes to the Jawaharlal Nehru and credit goes to the people of Sevadal? Because near my village, some Sevadalis, they started a Gandhian school. And that's how I got an opportunity to get a study. Otherwise, my community is a nomadic community and we travel from village to village and we are not interested much in education or that because we have livestock. So people with the livestock, normally we migrate from one place to another place. So my community migrate from the western part of India, Kutch. Have you heard that Kutch, Gujarat? So from that part till Orissa, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. So like such a nomadic community, the guy from the nomadic community get an education. It's a miracle, and that miracle happened because of the Sevadal, and that's why I love Sevadal. Because people, those who work in Sevadal at that time, उन्होंने अपना गांव छोड़कर एक स्मॉल विलेज में आके स्कूल शुरू किया था, तो मुझे शिक्षा का मौका मिला. फ्रॉम दैट विलेज आई वॉज नॉट इन पॉलिटिक्स टिल 2014. आई ज्वाइन पॉलिटिक्स ओनली इन 2014 इन फेब्रुआरी व्हेन कांग्रेस वॉज रियली लूजिंग बैटल एट नेशनली इन पार्लियामेंट. दैट टाइम आई डिसाइडेड टू ज्वाइन कांग्रेस पार्टी. एवरीबडी वुड लव टू ज्वाइन अ पार्टी who is going to come in power or they think that that party will win. But my ideology was very clear and my ideology suggested that forget about the winning or losing, but you should join the party which unite India and which part, I mean the party which fought for the India's independence. So that's how. But before that, from small village, I was working in the UN for a people's right, for the human right. So I travel around 55 countries with like from Africa to Latin America to Europe and most of the part, like the global world. I travel not for a, as a traveler or just a tourist, but I travel for a food sovereignty. I travel for a land sovereignty. I travel for the people's sovereignty. So I come from that background who fight for the people's sovereignty. Janata ki swayatta. अन्न का अधिकार, लोगों का अधिकार. सो फ्रॉम दैट बैकग्राउंड सम हाउ व्हेन नरेंद्र मोदी स्टार्टेड ग्रैबिंग लैंड इन अवर एरिया, सो वी डिसाइडेड टू डू एजिटेशन अगेंस्ट हिम. एंड राहुल जी केम टू नो दैट स्मॉल गाय फ्रॉम अ स्मॉल विलेज हु इज फाइटिंग अगेंस्ट द सुपर पावर नरेंद्र मोदी. ही वॉज चीफ मिनिस्टर फॉर मेनी ईयर्स देयर एंड ही वॉज अ रियली सुपर पावर देयर बिकॉज एनीबडी गोज अगेंस्ट हिम. He don't mind to do encounter or kill or arrest or put him in jail. What I mean, that kind of a such a cruel guy. I don't mind to say in front of the media. And I say this in a many press conference. So fight against such a cruel chief minister at that time. So Rahulji came to know and he decided. So I got a message to join Congress party. And that goes with my ideology also. So that's how I came in a political process and I joined Congress party. So when he gave a responsibility of Sevadal, I was trying to understand what is the role of Sevadal. So I would like to discuss first with the people here, those who are participating here, ki Sevadal ka bhumika kya? Setiji, right, I mean very rightly you said 1923 when Sevadal was started. It was started to organize and make discipline within the political party because the Congress workers or Congress volunteer at that time, they were agitating against the Britishers. So, kabhi bhag jate the, kabhi lathi charge hota tha, to kabhi ek organized way mein protest nahi hota tha. So, Gandhi ji, Jawaharlal Nehru ji, they thought we need to have a discipline cadre. And that's how Hardikar ji started Sevadal. And we started from the jail. Krishna's birth was also in a jail. And Sevadal's also to had a the birth in the jail, in a Nagpur jail. First time this idea came into the Hardikarji's mind and he discussed with Gandhiji and Jawaharlal Nehruji. And they said, let's have a disciplined
very trained force. So earlier we used to have a training for the lathi charge, training with the lathi, training how to, fight against the violence in a non-violent way. So that kind of a training, the trained cadre, RSS was nothing at that time. That time it was a Hindu Mahasabha. It was working against India's independence. भारत की आज़ादी के खिलाफ हिंदू महासभा लड़ रहा था. और सब लोग बोलते हैं कि इंडिया का, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इंडिया का पार्टीशन किसकी वजह से हुआ, क्या मानना है आपका? कौन था पहला बंदा जो इंडिया का इन द नेम ऑफ रिलीजन पार्टीशन होना चाहिए वो रेकमेंड करने वाला या रिजोल्यूशन करने वाला? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन? किसी को पता है नाम? ये ऑलवेज आरएसएस और भाजपा वाले कहते हैं गांधी जी ने ये कर दिया, गांधी जी ने वो कर दिया, इसीलिए गांधी जी को गोली मारा. गलत. गांधी जी ने कहा था कि इस देश के टुकड़े में नहीं होने दूंगा, यू कैन नॉट डिवाइड इंडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन. उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था. पर सबसे पहला रिजोल्यूशन 1935 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं किया था, बाद में किया. सबसे पहले कौन किया था? ये जिनको वीर कहते हैं वो कायर सावरकर ने किया था. यू अंडरस्टैंड द वीर एंड कायर? कायर मींस कावर्ड. सो सावरकर ने कहा था कि इस देश में हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, इसलिए देश का दो भाग करना चाहिए. उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड किया, फिर हिंदू महासभा ने उसको सपोर्ट किया, तब जाके इंडिया का ये भारत पाकिस्तान वाला जो है वो डिवीजन हुआ. सो जिस इस देश को तोड़ने वाला आज राष्ट्रवाद की बात करता है, राष्ट्रवादी बात करता है, जो 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, अंग्रेजों के जाकर सपोर्ट किया, वो लोग कहते हैं हमको कि राष्ट्रवादी देश प्रेमी, देश राष्ट्रवादी आप लोग नहीं हो सकते हो, देश प्रेमी आप नहीं हो सकते हो. सही बात कहा. सावरकर कितने रुपये दलाली खाता था आपको पता है? यू हर्ड अबाउट द सावरकर वॉज गेटिंग मनी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एवरी मंथ? कभी सुना है? एवरी मंथ 60 रुपीज. और 60 रुपीज एट दैट पर्टिकुलर टाइम इज लाइक 60,000 और मे बी 6 लैक्स टूडे, बिकॉज दैट टाइम द टीचर सैलरी वॉज 12 रुपीज. 12 रुपया सैलरी होता था टीचर का उस समय पर. सावरकर को ब्रिटिशर 60 रुपीज पर मंथ पेंशन देते थे. वाई? उसको प्रिंट चलाने के, प्रिंट मीडिया चलाने के लिए पैसा भी मिलता था, बिकॉज ही वॉज अ एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. 9 बार माफी. सही बात है. तो ऐसे लोग आज हमको कहते हैं कि इंडिया को बचाना है, राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी है. बेसिकली मैं, आई डोंट नो हाउ स्ट्रॉन्ग आरएसएस हियर इन नागालैंड. है आरएसएस इधर कहीं? है थोड़ा कुछ, वो थोड़ा भी आ गया ना, पॉइजन तो इतना भी बहुत होता है, इतना पॉइजन भी आपके पूरे शरीर को. तो इस नागालैंड में इस पॉइजन को मत पनकने दीजिए. डोंट गिव देम अ चांस टू इंसर्ट द पॉइजन इन टू द बॉडी ऑफ द नागा पीपल, बिकॉज दे आर वेरी पॉइजनस. पूरा स्प्रेड करेंगे. वो क्या करते हैं? आई ऑलवेज से कि आरएसएस है देश का गद्दार है. गद्दार समझते हैं? गद्दार को क्या कहें? है ट्रेटर. सो आरएसएस एंड द पीपल ऑफ आरएसएस संकीस, दे आर अ ट्रेटर ऑफ आवर इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड ऑल्सो टूडेज यूनाइटेड इंडियाज. दे आर अ ट्रेटर. एंड वाई? बिकॉज इन एनी कंट्री, इफ यू आर लाइक, इफ आई कम फ्रॉम अ चाइना और आई कम फ्रॉम अ ईरान और इटली और यूएस, इफ आई डोंट रिस्पेक्ट द फ्लैग ऑफ माई कंट्री, इफ आई डोंट रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम ऑफ माई कंट्री एंड इफ आई डोंट रिस्पेक्ट द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, देन डू यू थिंक दे आर अ नेशनलिस्ट और दे आर अ ट्रेटर? एनी कंट्री. Because if you really believe in your country, if you are a really patriotic, then
यू लव योर कंट्रीज फ्लैग, यू लव योर कंट्रीज नेशनल एंथम एंड योर कॉन्स्टिट्यूशन, बट आरएसएस ऑलवेज दे सेज नो, तिरंगा इज नॉट अ राइट फ्लैग फॉर इंडिया, दे वॉन्ट सेफ्रॉन फ्लैग. दे नेवर सेइंग जनगण मन इन देयर शाखाज, दे ऑलवेज सिंग अनदर सॉन्ग सदा वत्सले, एंड दे ऑलवेज चैलेंज बाबा अम्बेडकर्स, आई मीन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज लाइक क्रिएटेड अंडर हिज लीडरशिप, दे ऑलवेज चैलेंज दैट. एंड द फोर्थ रीजन वाई आई टेल देम अ ट्रेटर, बिकॉज भारत माता, वी ऑलवेज से भारत माता, राइट, दे आर ऑल्सो सेइंग ना भारत माता की जय, ऐसा बोलता है ना वो लोग, आप सुना है ना. सो इन इंडिया एंड आवर कल्चर वी कॉल जयकारा, सो जय नॉर्मली वी यूज थ्री टाइम, इवन इन जनगणमन ऑल्सो यू विल से जय थ्री टाइम्स, है जय जय जय, वी नेवर से जस्ट जय. आवर इंडियन कल्चर वी ऑलवेज यूज जयकारा थ्री टाइम्स. सो सेवादल पीपल, कांग्रेस पीपल यूज टू shout a slogan that I would like that you also learn or know how this slogan, वो बोलना चाहिए. हम लोग वो बोलते हैं, अभी वो मत बोलना क्योंकि उनका नारा मुझे अच्छा नहीं लगता है. उनका नारा है बोलो भारत माता की जय, समथिंग लाइक दैट. बट रियल स्लोगन इन अ इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या था, अरे बोलो भारत माता की जय जय जय. सो यू विल से जय 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 थ्री टाइम, बोल लो भारत माता की जय जय जय. द वॉटर, द पावर ऑफ द नागालैंड इज वेरी लिटिल, नो लाइक इट सीम्स लाइक यू डोंट हैव एनर्जी. स्पीक विथ योर एनर्जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट व्हेन यू से जय फॉर अ भारत माता, लाइक द योर वॉल्यूम शुड इंक्रीज लाइक जय जय जय, समथिंग लाइक दैट, नॉट जय जय जय. ओके, अरे बोल लो भारत माता की जय जय जय, अरे बोल लो भारत माता की जय जय जय. सो दिस वाज अ स्लोगन विद अ पावर, दे आर सेइंग वेरी डिफरेंटली. अनदर इज इंडिया के इंडिपेंडेंट मूवमेंट में भी एक और नारा चलता था सेवादल में, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी. And let me tell you one more thing. When RSS was not even started wearing their shorts, chaddi, they were very small, 9 years. That time, Sevadal and RSS created Bharat Mata's temple in Banaras. So Bharat Mata is like Mother India. We have a different culture, different religion, different caste, but we are all son and daughter of this Mother India. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई. सो फॉर सेवादल एंड फॉर अ कांग्रेस पार्टी, एनीबडी ऑफ इंडियन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, दे माइट बी प्रैक्टिसिंग एक्स रिलीजन और वाई रिलीजन, बट फॉर अस ही और शी इज अ इंडियन एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, योर जियोग्राफिकल रीजन डजंट मेक or doesn't, I mean, Congress is very clear that no discrimination based on that identity. For us, every Indian are equal, and those who are underprivileged, maybe they need more help, but it doesn't mean they are different or they are below. So, yeah, Congress party ka soche, but for them, BJP and Sanghi and their supporting parties, many regional parties are now supporting BJP. They are talking about like somebody from Maharashtra will talk Maratha Maratha, somebody from the Tamil Nadu will talk Tamil Nadu Tamil Nadu, somebody from Nagaland will only talk about the Nagaland Nagaland, or somebody from the Rajasthan will say only Rajasthan Rajasthan. But who will talk about India? Only Congress party in India is talking about the India, and other parties are talking, the regional parties only talking about, somebody talk about Orissa, somebody talk about the Bangla pride, but nobody talk about the India, Indian pride. And the Congress party always focus on the pride of India, not just one region. Another thing is BJP and Sanghi, they start, wo shuru karte hain Bharat Mata se, nationalism, then it's
नेशनलिज्म फर्स्ट, फिर उसके बाद आता है रिलीजन, उसके बाद आता है कास्ट, उसके बाद आता है क्लैन फैमिली, और उसके बाद आता है मैं। योगी बोलेगा मैं, मोदी बोलेगा मैं, मतलब आई। सो स्टार्ट विद द नेशनलिज्म पूरे भारत का, एंड एंड होता है कहां पर? अपने पर, मैं, आई पर आके खत्म होता है। वी एज अ सेवा दल एंड वी एज अ कांग्रेस वर्कर, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। मैं अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, मैं समाज के लिए कर सकता हूं। सो वी स्टार्ट विद अवर सेल्फ, बट अपने को पहचानना, नागालैंड को होगा तो नागालैंड को पहचानना, समाज को पहचानना, देश को पहचानना, एंड हम लोग देश प्रेम की बात करेंगे, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ये पूरा नॉन अलाइन मूवमेंट आप जानते हो कि देश दुनिया को बांटना नहीं चाहिए, हिंसा में दुनिया को ख़त्म नहीं करना है, तो सबसे पहले दुनिया की शांति, पूरे जय जगत का एक नारा आया था। सो वी स्टार्ट फ्रॉम अवर सेल्फ बट वी एंड अप टू जय जगत, पूरे दुनिया की जय। तो ये अलग राह है, ऐसी राह के सामने लड़ने का काम करने के लिए सेवा दल को काम करना है। एंड आई वुड से व्हाई सेवा दल इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट आई वुड लाइक टू एंड विथ सम स्लोगन्स, कि आजकल पॉलिटिकल पावर जो है वो पैसों का पावर बन गया है। बीजेपी हैज सो मच ऑफ मनी, सो दे बाय MPs एंड MLAs, यू नो इट वेरी वेल। मणिपुर में भी खरीदा, आसाम में भी खरीदा, सिक्किम में एक साथ 15 MLA खरीदा, गुजरात में अभी तक 20 MLA खरीदा, मध्य प्रदेश में एक साथ 27 MLA खरीदा। दे बाय, एंड डू यू नो हाउ मच प्राइस फॉर द MLA? कभी सुना है आप लोगों ने कितने रुपये में MLA बिकता है? मेरे को गुजरात का प्राइस पता है, बाकी स्टेट का तो पता नहीं। इट्स डिपेंड कितने मार्जिन से जीता है, 5 करोड़ to 22 करोड़ पर MLA बोली लगता है। जैसे हम क्रिकेटर्स नो, IPL में ऑक्शन होता है ना, नाउ डेज इन IPL ऑल्सो देर इज ऑक्शन फॉर द क्रिकेटर, सो इट्स अ शेम बिकॉज वी हैव ऑक्शन ऑफ द प्लेयर। सेम वे नाउ ऑक्शन ऑफ द पॉलिटिशियंस हैपन, एंड अमित शाह एंड मोदी दे डिसाइड दैट हाउ मच प्राइस दैट is really the good for that MLA or MPs. You buy MPs and MLA, that means you are buying India's democracy, that means you are killing democracy. So they are a killer of the democracy, they are destroying India's democracy, and they are destroying India's culture. And that's why the Seva Dal is very important to fight against such a criminal, such a cruel, and those who are killing India's idea of India. Idea of India is सबको साथ रखना है, सबके साथ चलना है, सब बराबर हैं, सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करना है। उनका उल्टा है, हिंसा करना है और झूठ बोलना है। एवरीबडी नोज अबाउट इट। सो हाउ, एंड लेट मी टेल यू अनदर थिंग, द फैक्ट इज वेर एवर द बीजेपी थिंक्स दैट दे आर नॉट एबल टू विन ऑन देयर ओन, दे फाइनेंस लोकल पार्टीज, they give lots of money to the local parties, so they get elected and they destroy Congress party in those region, and they have created many local parties. So first they create local parties, then they buy 2-3 MLAs from that local party, then they negotiate more, and they also finish local parties. If you see in many region, it's already going on. So uske khilaf ladai ladne ke liye seva dal ka role hai. Seva dal 5 चीजों की लड़ाई लड़ने के लिए इस देश में अब काम कर रहा है। सो नाउ वी आर डूइंग फाइन थिंग। अर्लियर इट वॉज लाइक विद व्हाइट कैप एंड व्हाइट क्लोथ, नो बडी वॉज इंटरेस्टेड टू वेयरिंग व्हाइट क्लोथ, इट लुक वेरी डिफरेंट, एंड पर्टिकुलरली यंगस्टर थोड़ा ये लगता है कि ये क्या ड्रेस कोड है। बट नाउ इन सेवा दल वी हैव अ 3 टीम, यंग ब्रिगेड कैन वेयर ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट एंड स्पोर्ट्स कैप, वीमेन द गर्ल्स कैन ऑल्सो वेयर अ ब्लू जीन्स, ब्लू लेगिंग्स, व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट कुर्ता। So there is no, like there was a restriction and so many barriers, but now we have came out of that barrier. But at the same time, those who gone through a training, this cap, Gandhi cap, is a pride for us. So earlier, women were not like allowed to wear Gandhi cap.
इन ऑल ओवर इंडिया इफ समबडी वेयर गांधी कैप एंड देन मैन ऑल से ओ वीमेन नो 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 कैप आई सेड व्हाई हु डिसाइडेड वीमेन विल वेयर और नॉट इफ मैन कैन वेयर व्हाई नॉट वीमेन सो द गर्ल्स बॉयज एनीवन कैन सो नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर बिकॉज वी वॉन्ट यंग जनरेशन यंगर लॉट हु रियली लव्स इंडिया हु लव द पीपल ऑफ इंडिया एंड हु दोज हु वॉन्ट टू सर्व फॉर द पीपल ऑफ इंडिया Everybody is just only interested on their own sake, then who will work for a country? Who will work for the people of country? Who will work for the marginalized people? So now Seva Dal decided, Janaseva. Understand, huh? Janaseva. Janata ki Seva. The serving to the people, service to the people. Rashtra Nirmana. Nation building. Organization building. Sangathan Nirman. Leadership development. Netrutva Nirman. And election management. So five things Seva Dal is focusing on. Congress ka panja aur panch kaam. Ye kaam karne ke liye Seva Dal cadre abhi desh bhar mein khada ho raha hai. 3 saal pehle we were only 12,000 volunteers all over India. But now, today after 3 years, even though the corona time was a very difficult time to travel and to start organization, but we reached 370,000 volunteers will in 3 years time. So our ideological enemy RSS has a 7 lakhs trained volunteer. They have a 7 lakh trained volunteers, those who sprayed poison. So now from 12,000 to we have reached 370,000, and we have a target to reach 10 lakhs by before 2023. So like in 1.5 year we will reach up to 10 lakhs and we'll make sure that we'll free India from this the poisonous or traitor organization called RSS and their superpower called Modi or Amit Shah, whoever is. So this is what Seva Dal has been doing it. So we need your help. I'm offering you to start work for a country, work for a people. Everybody is interested only in political power. Everybody wants to get elected and just to become an MLA or district. Or I think one should focus first on building organization and people's janaseva. Then maybe if those who are doing good, have a good name, might get a chance. So that should be a second or third, your option, not just a first only for a willing. Sirf jitna hai, ladna hai chunao. So if we have a people without ideology, people without really understanding the patriotism, they will come, fight election, might win, but can also go to another party and anyone can buy them because they don't have a ideological roots. So we want to create that ideological base for a Congress party and to strengthen the Youth Congress, to strengthen the NSUI and other wings and department. So this is the idea. Let me have this 4-5 slogan hai. Nagaland mein bhi aap log isko local language mein kar sakte ho. Ye slogan karke meri baat ko main khatam karunga. Hamara ek slogan hai, Desh ka jhanda tiranga. Have you heard about it? I don't know. Nahin. National flag kitne color ka hai? और कांग्रेस का जो झंडा है कितने कलर का है? भाजपा का झंडा कितने का है? नहीं, दो. ज्यादा सैफ्रॉन, लिटिल बिट ग्रीन, दो है. कवि कबीर, आई डोंट नो हैव यू हर्ड अबाउट कवि कबीर. कवि कबीर ने कहा है, दो रंगों का विश्वास ना करिएगा. द पीपल विद द टू फेस, पीपल विद द टू कलर. टू कलर मीन्स नॉट द रियली टू कलर, बट दोज हु चेंज कलर, दोज हु चेंज देयर फेसिस, उनका विश्वास नहीं करना चाहिए. बीजेपी हैज दैट टू फेस, टू कलर. सो दो रंगा, दो रंग. एंड हमारे देश का झंडा तिरंगा. तो हमारा यह है, देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा. आपको क्या कहना है? नहीं चलेगा दो रंगा. देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा. देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा. वो लाठी लेकर निकलते हैं ना आरएसएस वाले, द स्टिक इन देयर हैंड. लाठी का काम क्या है? नॉर्मल
ओनली लाठी यूज फॉर आई कम फ्रॉम अ कम्युनिटी जो लाठी रखता है गाय भैंस चराने के लिए, तो हम लोग तो ट्रेडिशनली लाठी वाले, बट लाठी नॉर्मली पीपल यूज फॉर फाइट। तो लाठी तोड़ता है, हाथ पैर तोड़ता है ना लाठी से, लाठी चार्ज, लाठी तोड़ता है और झंडा जोड़ता है। तो हमारा एक और नारा है, वो डंडा, डंडा लाठी को डंडा भी बोलते हो, वो डंडे से तोड़ेंगे, पुलिस के हाथ में भी डंडा होता है ना, तोड़ता है मारता है, तो वो डंडे से तोड़ेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे। आपको क्या कहना है? हम झंडे से जोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे हम झंडा से जोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे। दूसरा उसी का है, हम गोरों के सामने, गोरे मतलब ब्रिटिशर्स, गोरों के सामने कौन लड़ा था? हम लोग लड़े थे। और अब ये बड़े चोर है ना, अभी तो हैव यू हर्ड अबाउट दिस 3000 केजी हेरोइन, 21,000 करोड़ रुपीस, इट केम फ्रॉम द मुंद्रा अदानी एयरपोर्ट, एंड अदानी एंड मोदी दे आर वेरी गुड फ्रेंड, दे आर बिजनेस पार्टनर। सो आई ऑलवेज कॉल, इट्स नॉट अ मोदी मॉडल, इट्स अ मोदानी मॉडल, मोदानी मॉडल, मोदी एंड अदानी एंड अंबानी, अबानी अंबा, मोदी अंबानी एंड अदानी ऑल थ्री टूगेदर क्रिएट्स मोदानी मॉडल। सो हेरोइन कम फ्रॉम द मोदानी मॉडल, द हेरोइन इज नॉट टू डेवलप इंडिया, इट्स अ डिस्ट्रॉइंग यंग जनरेशन इन इंडिया। तो वो इतना बड़ा वो काम करता है, तो चोरी करता है, चोरों से लड़ना है। तो मेरा एक और स्लोगन देश भर में चल रहा है हम लोगों का सेवा दल का, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मजा नहीं आया, दम नहीं है, दम वाला चाहिए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मैं इसके पीछे एक जो सेंटेंस कहता हूं, जब लड़ना है इन चोरों से, आवाज उठेगी जोरों से, जोर से आवाज आनी चाहिए, कमजोर का काम नहीं। लड़ाई लड़ना है तो मजबूती से लड़ना है, तो ये मजबूती की लड़ाई के लिए आने वाले समय में सेवा दल देश भर में, जैसे अभी रिसेंटली बड़ा दिल्ली में एक रैली किया हमने देश भर में, और मैं चाहता हूँ यहाँ बहुत जल्दी एक ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि आइडियोलॉजिकल चर्चा के लिए देश को समझना, आइडियोलॉजी को समझना, संगठन को समझना, लीडरशिप क्या है, पावर स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्शन कैंपेन कैसे होता है, ये सब का ट्रेनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर ऐसा ट्रेनिंग है पांच दिन का, आप लोग रहोगे कि घर भाग जाओगे? रहेंगे। अगर दिमापुर में नहीं है और गुवाहाटी में है तो उधर तक आएंगे। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग, अगर इफ यू होस्ट इधर, तो हम लोग आसाम के लोगों को इधर बुलाएंगे, नहीं तो आपको कहेंगे कि आप गुवाहाटी आ जाओ। तो कहां पे करेंगे? इधर नागालैंड में करेंगे कि आसाम में करेंगे? नागालैंड वाला नहीं बोल रहा है कुछ। हाँ, पुअर है। आप लोग रोज खाते हो कि नहीं खाते हो? यू ईट एवरी डे राइट? हम खाते हैं ना, मैं भी खाता हूं। मेरे जितने गरीब फैमिली से आप नहीं आते होंगे। आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी पुअर फैमिली, नाउ डे आई हैव 100,000 बफेलो, सो आई हैव इनफ टू फॉर माई लाइवलीहुड, बट आई कम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, लाइक माई हिस्ट्री, आई यूज टू स्लीप ऑन अ फुटपाथ फॉर मेनी ईयर्स। सो बैकग्राउंड तो सबका गरीब हो सकता है, और आई लव कि मेरा हिस्ट्री क्या है, वो हमको सिखाता है आगे जाने का रास्ता। मैं जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ पर मजदूरी करके पढ़ना पड़ता था, आपको स्कूल में भी एग्रीकल्चर का, लाइफ स्टॉक का काम करना पड़ता था, तब जाके आपकी पढ़ाई की फी होती थी। तो गरीब होना या कम पैसा होना कोई कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। व्हेन भारत में 22 स्टेट में इंडिया का कांग्रेस का शासन था, 7 इयर्स बैक वी वर इन 20-22 स्टेट, यूपीए 10 इयर्स हमारा शासन रहा, फिर भी हम ट्रेनिंग कैंप नहीं करते थे। लास्ट 7 इयर्स से हम 3 स्टेट में गवर्नमेंट है, सेंटर में पावर में नहीं है। हम एवरी ईयर 30 ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, नेशनल ट्रेनिंग कैंप 3 हुआ, 35 ईयर से नेशनल
कन्वेंशन नहीं हुआ था, लास्ट वॉज इन पटना इन 84, और उसके बाद नहीं हुआ था 35 ईयर। अभी लास्ट 1.5 ईयर बिफोर अजमेर में हुआ, जब हमारी सरकार थी नहीं हुआ, हमारी सरकार रे थी नहीं हुआ, रिसोर्सेस था नहीं हुआ, जब रिसोर्स नहीं था, सरकारें नहीं थी, 35,000 लोग 30,000 लोग अभी इकट्ठा हुआ था, आफ्टर 35 ईयर नेशनल कन्वेंशन हुआ। सो ट्रेनिंग करने के लिए, वर्कशॉप करने के लिए, आंदोलन करने के लिए पैसा नहीं, जिगर चाहिए, जिगर चाहिए। हो सकता है, इट्स पॉसिबल। हम लोग एक प्रयोग किए थे और हमारे स्टेट में एवरी ईयर एक प्रयोग करते हैं कॉल पास्टल पार्लियामेंट, कहीं से पैसा नहीं लेता है। एक घर से दाल लेके लोग आएंगे, कोई चावल लेके आएगा, कोई सब्जी लेके आएगा, मिलके खाते हैं, मिलके पकाते हैं, दूध लेके आते हैं। हम लोग 5,000 लोग इकट्ठा होते हैं, नो रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड, वी हैव इनफ द ग्रेन, वेजिटेबल, एवरीथिंग, एंड वी हैव इनफ कंट्रीब्यूटर ऑल्सो। इफ यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट इफ यू ऑल ऑलवेज लुक अप टू AICC और PCC, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। सो आई वॉन्ट सेवा दल एज अ स्ट्रॉन्गर सेवा दल, इंडिपेंडेंट सेवा दल, बिकॉज नाउ द सेवा दल इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, देर इज नो इंटरफेयर फ्रॉम द AICC और PCC इन सेवा दल। सो वंस यू आर ऑटोनोमस, यू हैव टू थिंक वेरी डिफरेंटली, राइट? इफ नीडेड वी कैन ब्रिंग रिसोर्सेस, इफ नोबडी इज रेडी टू सपोर्ट फ्रॉम नागालैंड, आई विल आस्क छत्तीसगढ़ टू, और आई विल आस्क बिहार टू सपोर्ट अस। बट डू यू वॉन्ट दैट? यू वॉन्ट बिहार टू सपोर्ट यू? यू आर नॉट एबल टू सपोर्ट यूर सेल्फ? बिहार, वी डोंट हैव अ गवर्नमेंट फॉर लास्ट 35 ईयर, एंड स्टिल द सेवा दल ऑफ बिहार कैन सपोर्ट यू। डू यू वॉन्ट सपोर्ट फ्रॉम बिहार, और वी कैन डू इट ऑन आर ओन? वी कैन एंड वी विल, एंड दैट शुड बी द, you know, kind of a power we have. And I think if needed, we can get support from outside also. Definitely, little bit support will come. And if somebody start, when I had a first national convention, I mean like, that was 6th national convention, but it was first experience for me. On 11th February, Chandan Barua was there. And I think some of you were also there. 11th February, at midnight, I had no resource in my hand, and there was a cost of 2.5 crore rupees, and there was no money in my hand, and still decided to have a national convention on 13th February. 13th February, had a plan for snow like that, such a huge, 30,000 people stay together for 3 days. It's a huge cost, and there was no money in my pocket till 11th February at midnight. Everything happened, resources also came. So it's nothing is impossible. Once you decide, you have to take decision. Thank you very much. Jai Hind Sathiyo. Any question, I am here, because it should not be a one way. Kabhi ek tarfa nahi hona chahiye. After this. Okay. Anyways, we'll give thanks to our media friends also. But right now, just want to thank you, sir, for sharing your story and your experience and your thoughts with us. I'm sure with this encouragement, we, the Seva Dal, can work and look forward into it. Now, coming to the end of the program, after this, we'll give some information as well, but just like a vote of thanks from Airline Software. Oh, God. It's very hot. Give time to our media friends if there are any questions. Yeah. You know,
We can come closer. It's humid and hot. Yes. I don't think the media has any questions, so no any questions. I think it's more quite clear. Yeah. Now up to them what to. Right now, PCC members, Youngho. Just one second, okay? We have our chief organizer. Evening, Nagaland. I came here to review Sevadal organization, also strengthen the Sevadal for a future, because we, as a Sevadal, we are focusing on nation building and service to the people of India, and also organization building and leadership development. The way in which RSS is destroying our the culture of India and also idea of India, so they are destroying, they are dividing our people in the name of a religion, caste, or a region or a language. We don't want them to divide our nation. So that's why uniting India to have a brotherhood concept, sisterhood concept, we are, as in Sevadali, we decided that wherever the RSS spread the poison, we will remove that poison and we'll have a love and faith in Indian people. And so that's why we are strengthening Sevadal. The way in which RSS is creating a communal violence in Hindus and Muslims, when election comes, they always talk about Hindu, Muslim, Sikh, something else issues, Khalistan, Pakistan, and they always talk about Ali and Bali and Mandir and Masjid. They said, you are playing with the emotions of the Indian people. You are playing emotional card. Let's talk about idea of India, where people are talking about the safety and security of the women and the girl child. Our girls and women should not be harassed or by rape by the BJP people. We are here to discuss about that. Let's talk about the people's agenda. What is people's agenda? People's agenda is having a good education system, to having a nice healthcare system. The way in which the people of India, they died during the corona systems, like we were, I mean, Modi and Shah, they were not able to control. And in fact, I would say they brought virus, the coronavirus in India, while inviting Trump in a stadium in Ahmedabad. So the nation has a different role. The Shashak, the governor, the people in the governance, they have a different role. They should talk about the education system, health systems, employment, farmers issue, and also the security of the people. So that's why we are now strengthening Sevadal to fight against the fascist forces. Yeah. So according to you, like most of your speech and your talks just now is, you know, relating to eradicating the principles of the RSS. So you think that if the principles of the RSS comes down, or if it's like completely eradicated, you think India will become a better nation? I would definitely, because those who are, like any country, if you take example of Afghanistan also, any fundamentalist, fascist fundamentalists, they destroy country. They destroy the freedom of the country, because even the press, you come from a press, wherever the Talibani, Sanghi or Nazi, Sanghi is like RSS, Talibani is Afghanistan, and Nazi is, you know, the Hitler. Wherever the fundamentalists are coming the power, they first destroy thinker, they destroy the freedom, speech of a freedom. So the freedom of the speech, they also destroy your mobility, they also destroy your economic or educational base. So they don't want, any fundamentalists don't want people get educated or people get the kind of rights which constitution has given to us. So that's why I really believe
that even like if Talibani goes out of Afghanistan, Afghanistan will be a better nation. And Sanghi's idea will be removed from India. India will be a much more better and peaceful nation and have a more prosperity, more peacefulness. And I'm not saying only Sanghi's, even the MIM, even Ashruddin Owaisi or whoever is, those fundamentalists who just create the parties in the name of the one religion or one caste, they are really harmful for India. How long are you planning to stay? This time, like I am visiting an entire Northeast by like 1 or 2 days in every state. So this time it's only for 2 days, but I'm planning to come again for a training camp for 5 days. And hopefully we'll have a training camp before December. And we'll have a, no, I mean, I also want to understand the culture of Nagaland. Because, you know, like people of mainland India, they don't understand the different culture in the Northeast, and they always talk about the idea of India. But when you talk about the idea of India, you also need to understand the culture of the people, those who are living in hill areas and also in a different small state or any different culture that you need to understand. And I'm here for that, to understand the culture. Okay, so earlier, sir, you missed out on, you know, talking about the different departments in this Sevadal. So first is you mentioned the youth wing and the others are? The women Sevadal. So Sevadal earlier had like just one Sevadal, but we decided, because Rahul ji also talk about that, how to bring new or fresh people in party. And he also gave example, like one person asked Rahul ji that why youngsters are not joining political party, why educated people are not joining a political party. And he gave a very good answer, and I think now I work on that answer. He said the political parties are like a fixed pond, and there is no like there is no new water cannot come inside. And if there's no new water come in the pond, the water will not like go dry, or will have a kind of a different kind of water which you cannot drink. So if you need to create a river, if you want to create a river, then you need to have a flow, the new water into the pond or flow. So that's why I think new generation, we want new generations to join political party and to work for a nation. That's why we created a women organization in Sevadal and also the Young Brigade. So now in 600 district in India, we have a young generation, and I think 80% of the new Sevadal team is below 40 years now. So sir, like this is the first ever visit for any chief organizer to visit Nagaland. So like, what is your view on that? I don't have a real information about, there might be like in historical, I would say last 30 years was really a very tough for Sevadal. There was less important of Sevadal after Rajiv Ji's assassination. So Sevadal was little down. So that's why maybe the no chief organizer or the president of Sevadal has not visited Nagaland. But I come from a grassroots. I come from a very small village, and I love to visit different communities and to understand the culture. So that's why I was like, I visited Mizoram and Meghalaya just 2 days back. So I am here to understand first. Wherever anybody, if you are a, like organization builder, then you have to understand the local complex. You know, like the complexity. If I don't understand the gender relationship here, if I don't understand the economic relationship here, if I don't understand the cultural relationship or the caste combination, I cannot. I won't be able to strengthen the Sevadal here. So that's why I'm here to understand, and I hope we'll understand each other and we'll have a very strong Sevadal. And the way in which RSS is destroying, particularly, and they are just threatening the minorities in India. And I would say the people of Nagaland have a greater challenge for future, that how to stop RSS to destroy our nation. And like as we know, like for even for a small post vacancy, like they used to ask for graduation or anything. But in some of the political areas, the ministers or MLAs, like they are a bit uneducated, but still like they are holding a like very high post. So what do you think about that? I make a difference between the literacy and education. Like my grandfather was not literate, but he was very educated. So education doesn't come from only from the formal institute. That is one thing. But it doesn't mean that the literacy is not very important. The formal education, formal literacy is very, very important. And most of the fundamentalist people or people in the power, they don't want
the smart intellectuals or educated people come into the politics, because that they will be a threat for the established power structure. And particularly where you have a regional superpower structure, the regional political party does not allow educated people to come in a political process. And where Rahul ji nowadays, he bring youngsters, very educated activists, those who are fighting for the people. So he is now focusing on that. And that's why the street fighter like us now in politics, because I don't have any political background. Nobody from my family was in politics. So he straight brought me into the politics. If you see many other also in Sevadal, in the Congress party. So Rahul ji is now changing the entire political perception of the old politician. I think we'll definitely, after this meeting, I will have a review meeting with the Sevadal team now, and we'll have a how to form a district-wise Sevadal team, and also where this and how to organize a training program for the Sevadal. Because ultimately, in a political parties, you are not just here for only power. We are here to build nations, to have a like rebuild our nation, because already nation is now destroying by the Amit Shah and Narendra Modi. They are looting our country. So that's why now we need to rebuild. So we'll have a training program, how to rebuild India again, how to get the same freedom which we had 10 years back. So that's that. I think we'll focus on a training program and how to do a campaign for a next election. And I'm sure, I'm very confident, people are fed up with the local parties. People are fed up with the RSS and Sangh now. So the Congress has a greater chance in Nagaland to come in power, and will focus how to bring back freedom in Nagaland, how to bring back the good governance in the Nagaland. And that's why I always say one more slogan: Na Rashan hai, na Shashan hai, Desh mein Dushashan hai. Dushashan, you know, the Duryodhan and Dushashana. So the entire country is now exploited by the Duryodhan and Dushashan. Duryodhan is Narendra Modi and Dushashan is Amit Shah. And both of them, they are just creating problem for a country. And now it's a time for a Sushashan, for a good governance. Thank you very much. So, Idi Ajila Chief Guest, Sri Lalji Desai, he is the Chief Organizer of All India Congress Sevatal. The Aji Kushe that there should be unity among the Congress Party. So, in our Nishna updates, Haidegiwi, Nagaland TV. This is Chanbini with camera person Khalil for NLTV.